प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं, रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मैं सदा राधेकरण ही कहलाऊंगा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? उनके पास, जो मेरे प्रश्नों से भयभीत होकर छिप कर बैठे हैं। सूर्य देव के पास। वेदों के आवरण से बाहर निकलिए सूर्य देव। अब आप मुझसे और नहीं छिप सकते। मेरे समक्ष आइए सूर्य देव। जीवन के आरंभ से हर प्रातः मैंने आपको तर्पण किया, उसके लिए बाहर आइए। मैंने सदा आपका सम्मान किया, उसके लिए बाहर आइए। आपके कारण जो मेरा अपमान हुआ, उसके लिए बाहर आइए। एक कवच कुंडल मुझे देकर भी मेरे मन को जो वेदा है आपने, उस पीड़ा के कारण बाहर आइए। पुत्र, मैं ये तो मैं जान गया कि मैं आपका पुत्र हूं। आगे कहिए सूर्यदेव। पुत्र, मैं विवश था तुम्हारे जन्म के लिए भी और तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए भी। महर्षि दुर्वासा ने देवी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी वो उन्हें पुत्र देंगे। देवी कुंती बालिका थी, उन्हें लगा कि कहीं ये वरदान मिथ्या तो नहीं, और उन्होंने खेल खेल में मुझे यह आवाहन दिया और वरदान से विवश होकर मुझे उन्हें अपना अंश देना पड़ा।
विवश थे कि आज विवश नहीं है? माता कुंती को मुझे अपनाने में समाज का भय था, परंतु आपको किस बात का भय था? आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? संसार भर को प्रकाश देने वाले ने अपने ही अंश को अंधकार में रखा। क्यों? जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाता रहा, तब आपकी दृष्टि क्यों नहीं झुकी? जब सब मुझसे मेरा अधिकार छीनते रहे, तब आपके अहंकार को ठेस क्यों नहीं पहुंची? क्यों तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहे, जब तक मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो गया कि मैं आपका पुत्र हूं? क्यों मुझसे सत्य को दूर रखा आपने? क्यों? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सत्य से दूर रखा, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ था। मैं नहीं चाहता था कि समाज को इस बात का ज्ञान हो। मैंने तुम्हें ये कवच और कुंडल इसलिए दिए ताकि तुम अपने हृदय को और भी अधिक बलशाली बना सको, तुम्हें समाज की कठोरता को सहने की शक्ति मिले। मुझे क्षमा कर दो। आपके अश्रु मुझे सांत्वना नहीं दे रहे, अभी तो भान कर आ रहे हैं कि मैं आपके लिए केवल एक फूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ईश्वर, मेरे पुत्र की सहायता करना। जो स्वयं की सहायता करना जानते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं। बुआ, मैं सदा आपकी पूजा करता रहा, आपको तर्पण देता रहा, और भविष्य में भी मैं ऐसा ही करूंगा। मैं सदा आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप सदैव सबसे शक्तिशाली रहे। मेरा मन मलिन है आज, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं। पुत्र, एक बार अपने मुख से आपके जाने का समय आ गया है। कल प्रातः आपको सबके जीवन को अंधकार से निकालना है। विश्राम कीजिए पिताश्री। कल्याण हो तुम्हारा। ऐसी अवस्था में भी तुमने अपने पिता को तृप्त किया। धन्य हो तुम दानवीर कर्ण। अब आप और कितना व्यथित रहेंगी बुआ? आप अपने कर्मों को संसार से छिपा सकती हैं, परंतु अपने कर्मों के फल को आप स्वयं से और कितना छिपाएंगी? अपने कर्मों का सामना प्रत्येक को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है बुआ। परंतु उसका सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी उसे इसके समक्ष आकर? मैं कैसे उसे समझोगी काना? क्या ये सब इतना सरल है? यदि सब कुछ इतना सरल होता तो जीवन जीवन नहीं होता बुआ। मनुष्य को अपने भय का, अपने अतीत का सामना करना ही पड़ता है, और ये भेंट जितनी शीघ्र हो, मन से बोझ उतनी ही शीघ्र उतर जाएगा बुआ। जाइए बुआ, समय आ गया है सत्य का सामना करने का। समय आ गया आपको आपके ज्येष्ठ पुत्र से मिलने का।
चाहिए पुत्र, दोगे? सुना है प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देते समय यदि तुमसे कोई कुछ भी मांगे तो तुम कभी मना नहीं करते, उसकी इच्छा पूरी करते हो। इसलिए मैं भी कुछ मांगने तुम्हारे समक्ष आई हूं कि इस दुर्भाग्यशाली माता को क्षमा दान दे पाओगे पुत्र? प्रार्थी तो मैं हूं राजमाता। राजमाता सब मत कहो पुत्र। क्यों? यह अनुचित कह दिया मैंने? ये कि सत्य जानने के पश्चात भी मैं आपको राजमाता क्यों कह रहा हूं? मैं आपके गले क्यों नहीं लग रहा? आपके चरण स्पर्श कर आपको माता और जननी क्यों नहीं पुकार रहा हूं? कहिए क्या अनुचित कर रहा हूं मैं राजमाता? मैं आपको माता कहकर इसलिए नहीं पुकार रहा क्योंकि यह आपका कर्म फल है। आपने भी तो इसी भांति वर्षों तक ऐसा ही व्यवहार किया मेरे साथ, आशीष दिया परंतु कभी अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा, अश्रु बहाए तू कभी मुझे गले से नहीं लगाया, कभी मुझे ममता नहीं थी। और आज वही माता मेरे समक्ष प्रेम जताने के लिए आ गई है। अधिकार का भाव कर्तव्य पूर्ण करने से मिलता है। आपने अपना कर्तव्य कभी पूर्ण नहीं किया, आज अधिकार जताने क्यों आ गई? मुझ पर आरोप लगाने से पूर्व मेरी व्यथा तो सुन लो पुत्र। मैं विवश थी जब तुम्हारा जन्म हुआ, मैं अविवाहित थी पुत्र, क्या करती मैं, मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। विश्वास मानो पुत्र, अनजाने में हुए अपराध का बोझ मैं आज तक अपने कंधे पे लिए हूँ। आपने अपनी व्यथा तो कह दी, परंतु मैं, मेरा क्या दोष था? एक बालक जिसने अपनी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली थी, उसके जीवन में आपने सदा के लिए अंधकार कर दिया। एक नवजात को गंगा माँ की भेंट चढ़ा दिया आपने। क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि वो जीवित रहेगा या मर? यदि वो बच गया तो संसार उसे किस नाम से पुकारेगा? समाज उसे कितने ताने देगा कि उसका जीवन जीते जी नरक बन जाए? ये भी नहीं सोचा हमने? गंगा में इसीलिए बहाया ना, क्योंकि गंगा माँ पाप धोती है। मैं आपके लिए पाप ही था ना, केवल एक पाप, एक अभिशाप जिसे आप गंगा में बहाकर भूल गए। आश्चर्य की बात यह है कि कभी आपने मुझे खोजने का प्रयास नहीं किया, कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं जीवित हूं या मर गया। आपको पता है कि जब भी मैं आपके समक्ष आता था, आपको प्रणाम करता था, तो एक विचित्र स्नेह, एक अनोखा बंधन अनुभव करता था मैं। क्या आप कभी ऐसा अनुभव नहीं करती थी? तुम मेरे ही पुत्र, इसका ज्ञान मुझे रंगभूमि में हुआ, परंतु फिर भी आप मौन थी ये जानने के पश्चात मैं आप समझा। तब आपके समक्ष एक और प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि युवराज पद की होड़ में
रदा कर रहे अपने सारे पुत्रों को कैसे बताए कि जिसके कुल का वो अपमान कर रहे हैं वो उनका ज्येष्ठ भ्राता है हस्तिनापुर के समक्ष यह सत्य कैसे बताए कि मैं आपकी प्रथम संतान हूं। बोलिए राजमाता, कि आज अचानक क्या हो गया? ऐसा मत कहो पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र एक दूसरे का रक्त बहे। मुझसे सहन नहीं होता पुत्र, मुझसे सहन नहीं होता। समझ गया कि आप यहां मेरे लिए नहीं अर्जुन के लिए आई, कि आप मुझसे क्षमादान मांगने नहीं अर्जुन का जीवन दान मांगने आई, कि आप मुझसे क्षमादान मांगने नहीं अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। आप यहां इसलिए आई कि मैं अर्जुन का वध ना करूं। ऐसा मत कहो पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। ठीक है, समस्त हस्तिनापुर के समक्ष ये स्वीकार कर सकती हैं कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं, पता था मुझे कि कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मेरे जीवन पर अनेक बार संकट आया, अब आपकी ममता नहीं जागी, परंतु आज जब अर्जुन के जीवन पर संकट आया तब आप अपनी लज्जा अपना सम्मान सब भूलकर मेरे पास आ गए। सत्य में अर्जुन बहुत भाग्यशाली है कि उसे आपकी ममता मिली। मैं भले ही अर्जुन को युद्ध के द्वंद में हरा दूं, परंतु आज उसने मुझे ममता के द्वंद में हरा दिया। तुम्हारी अपराधी नहीं हूं मैं, भाग मत लो पुत्र, अपने अनुजों से युद्ध मत लगो पुत्र, बस एक बार कह दो कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप मेरी माता नहीं। सदा स्मरण रखिएगा राजमाता, इस सूत पुत्र की माता का नाम राधा है। मैंने अवश्य कौंतेय बनकर जन्म लिया, परंतु संसार मुझे सदा राधे कर्ण के नाम से जानेगा। मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, किंतु मेरे पिता का नाम अधिरथ है। मुझे स्वयं को सूर्य पुत्र के स्थान पर सूत पुत्र कहने में अधिक गर्व अनुभव होगा। आप माता हैं अर्जुन की, सभी पांडवों की, क्योंकि आपने उन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, प्रेम दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप आज भी उन्हीं की माता बनकर इस सूत पुत्र राधेकरण के पास आई हैं, यह आश्वासन पाने कि आपके पुत्र सुरक्षित रहे। मेरे द्वार पर आए किसी भी याचक को रिक्त हाथ लौटने नहीं दे सकता मैं। राजमाता, मैं आपको रिक्त हाथ लौटने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं कि इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, केवल 5। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी, यदि अर्जुन मेरे हाथों वीर गति पाता है तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा।
मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं।